हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज का जो हमारा ये वीडियो है, इस वीडियो के दौरान हम एंटेमोलॉजी सब्जेक्ट के कोर्स टाइटल मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के नेक्स्ट टॉपिक एपिकल्चर के बारे में बात करने वाले हैं। एपिकल्चर एक लैटिन वर्ड है जिसके अंदर एपी इसका मतलब होता है बी, यानी मधुमक्खी। तो हम बी कीपिंग के बारे में अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। आप जानते होंगे कि एपिकल्चर अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम कह सकते हैं बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम चार पार्ट्स के अंदर अगर डिवाइड कर दें तो वो क्या हो सकता है। एपिकल्चर के अंदर हम पढ़ सकते हैं उसका इंट्रोडक्शन और उसकी हिस्ट्री, और हम जान सकते हैं बी स्पीसीज, डिफरेंट टाइप ऑफ बी स्पीसीज, अलग तरह की बी की स्पीसीज जो कि जाननी जरूरी है। इसके लिए हनी प्रोडक्शन के लिए हमें पता होना चाहिए ना कौन सी इंपॉर्टेंट बी है, कौन सी बी की स्पीसीज है जो हनी प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम बी स्पीसीज को पढ़ सकते हैं और उसके साथ हम पढ़ सकते हैं बी बायोलॉजी को। बी की बायोलॉजी के अंदर काफ़ी कुछ आ जाता है, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म आप जानते होंगे कि बी के अंदर तीन तरह की कास्ट देखी जाती है ना, क्वीन, वर्कर्स और साथ में ड्रॉन। तो उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे और साथ में इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। साथ में हम देख सकते हैं कि इनके अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़, या हम कह सकते हैं कि कौन कौन से बिहेवियर हैं जो बी के हमें पता होने चाहिए। तो इस तरह से हम कुछ ये टॉपिक्स देख सकते हैं। साथ में हम देख सकते हैं एपिकल्चर का कमर्शियल मेथड क्या है, कमर्शियली मतलब मेन काम क्या है, पैसा बनाना। तो हनी प्रोडक्शन से किस तरह से कमर्शियल लेवल पे वास्तव में एपिकल्चर किया जाता है उसके बारे में जान सकते हैं। उसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं और उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, ये सब भी एक अलग से टॉपिक के रूप में जान सकते हैं। और साथ में हम जान सकते हैं कि बी की अलग अलग एनिमीज यानी कि दुश्मन क्या हैं मधुमक्खी के, और साथ में उनके अंदर जो डिजीजेज होती हैं, डिजीजेज यानी बीमारियाँ। भाई हनी प्रोडक्शन करना है तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमारे बी के अंदर कोई बीमारी होगी तो ऑफकोर्स वो हनी प्रोडक्शन अच्छे से नहीं कर पाएंगी। तो हमें उनकी स्टडी भी करनी चाहिए एपिकल्चर के अंदर। और साथ में हम बी पास्चुरेज, पास्चुरेज मतलब हम कह सकते हैं बीज का ट्रैवल करना एक जगह से दूसरी जगह, क्यों, पॉलिनेशन के लिए, नेक्टर कलेक्शन के लिए, है ना, इन सब चीज़ों के लिए। तो वो पास्चुरेशन के बारे में हम जा सकते हैं। साथ में हम देख सकते हैं उनके अंदर कम्युनिकेशन कैसे होता है ना, किस तरह से उनके अंदर अलग अलग तरह के डांस देखे जाते हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं कलेक्टिवली आ किस में रही हैं, एपिकल्चर के अंदर आ रही हैं। तो समझ आया आपको कि एपिकल्चर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो उसको समझने के लिए हम पर्टिकुलर चार वीडियोस के अंदर इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सबसे पहला वीडियो है एपिकल्चर के ऊपर, जिसके अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, बी स्पीसीज और साथ में बी बायोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। ओके, साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स का ये जो हमारा कोर्स टाइटल है, इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूँ। इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, जो कि एकदम इंट्रोडक्टिव वीडियो है पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो उसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बी कीपिंग की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि इतिहास क्या है। तो देखिए, यूजफुलनेस ऑफ हनी बीज आर नोन टू मैन फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स, है ना, कि हम देख रहे हैं कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स से यानी बहुत पुराने समय से ही हम बी कीपिंग की इंपॉर्टेंस को जानते हैं। हम यानी इंसान जानता है कि बी के अलग अलग तरह से क्या इंपॉर्टेंस है। आप जानते ही हैं कि हनी प्रोडक्शन के अंदर, वैक्स कलेक्शन के अंदर, और हम और अलग अलग तरह के जो फ़ायदे हैं हमें मिल रहे हैं बी से, तो उन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज जो है, इम्पॉर्टेंस जो है, यूज़फुलनेस जो है, वो हम कह रहे हैं प्री हिस्टोरिक टाइम से हमें पता है या इंसानों को पता है। और इसके प्रूफ के लिए हम देख सकते हैं कि रामायण, कुरान या वेद वगैरह जो लिखे गए, वेद वगैरह जो हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं बी को मैंशन किया गया है। तो यानी कि ये बात तो सच है कि इंसान जो है प्री हिस्टोरिक टाइम से बी की यूजफुलनेस तो जानता है। अब हम देखते हैं कि द डिस्कवरी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बी स्पेस इन 1851, क्या है ये चीज़। हम देख रहे हैं यहाँ मैंने एक एरो लगा के एक साइंटिस्ट का नाम, या कह सकते हैं पर्टिकुलर प्रीस्ट का, साइंटिस्ट तो नहीं कहना चाहिए, एक प्राइस्ट जिसको कह सकते हैं पादरी, है ना, उनका नाम लिखा गया है LL Langstroth। अभी जो LL Langstroth हैं, इन्होंने सबसे पहले हम देखते हैं मूवेबल फ्रेम हाइव्स बनाए थे। मूवेबल फ्रेम हाइव्स मतलब एक तरह से हम देख रहे हैं कमर्शियल लेवल पे ऐसा फ्रेम दिया था जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि बी वगैरह को
रखा जा सकता है, यहाँ उनकी रेयरिंग की जा सकती है और जिससे हम देख रहे हैं हनी प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, सबसे पहली मॉडर्न कह सकते हैं टेक्निक जो है ना, जो कमर्शियल लेवल पे की गई, वो इन्होंने ही शुरुआत करी कि इन्होंने एल लैंगस्ट्रॉथ ने सक्सेसफुल जो रही है ना, तो उसके ऊपर लिखा गया है द डिस्कवरी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बी स्पेस। और इन्होंने किस प्रिंसिपल पे बेस्ड था वो, तो हम देखते हैं कि एक ऐसा फ्रेम होता है जिसके अंदर बी एंटर होती हैं, अपना कॉम्ब बनाती हैं, हनी प्रोडक्शन करती हैं, तो उसके अंदर पर्टिकुलर एक स्पेस होता है बी का, है ना, एक जगह होती है जिसके अंदर से बी अंदर जाएगी या उसके अंदर रहेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ जो बी स्पेस है वो उसका मेन प्रिंसिपल रखा गया, और उसमें देखते हैं हम ये यूएसए के अंदर किया गया, रिजल्टेड इन फर्स्ट ट्रूली मूवेबल फ्रेम हाइव, जिसके बारे में बताया मैंने आपको, जिसे हम मॉडर्न टेक्निक कह रहे हैं, है ना। दिस बी स्पेस वाज 9.5 मिलीमीटर, ये बी स्पेस कितना रखा गया, तो हम देखते हैं 9.5 मिलीमीटर का, वो पर्टिकुलर कौन सी बी के लिए, तो हम देख रहे हैं एपिस मेलिफेरा के लिए। एपिस मेलिफेरा पर्टिकुलर एक स्पीसीज है बी की, जिसके बिहेवियर कैसा होता है, नेचर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी जान रखिए आप कि जो फर्स्ट मूवेबल बी फ्रेम है, बी हाइव जो है, वो किन्होंने बनाया, तो हम देख रहे हैं एल लैंगस्ट्रॉथ ने बनाया, कब, 1851 के अंदर। ओके, अब देखते हैं हम बात करें अगर इंडिया की, इन इंडिया फर्स्ट अटैम्प्ट टू कीप बी इन मूवेबल फ्रेम हाइव वॉज मेड इन 1882, मतलब 1882 के अंदर बंगाल के अंदर ये पहले अटैम्प्ट किए गए इंडिया के अंदर, अटैम्प्ट किए गए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सक्सेसफुल रहे, मतलब कोशिश करी इंडिया में भी बंगाल के अंदर, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रह पाए। तो इन साउथ इंडिया रेवरेंड न्यूटन, अब ये रेवरेंड पर्टिकुलर हम देखते हैं क्रिश्चियंस में जो प्राइस्ट हैं उनके आगे ये टर्म यूज़ की जाती है, पर्टिकुलर ये कहा जाता है। तो रेवरेंड न्यूटन ड्यूरिंग 1911 एंड 1917 ट्रेंड बी कीपर्स, यानी कि हम देख रहे हैं जो न्यूटन हैं उन्होंने अलग अलग जो बी कीपर्स हैं उनको साउथ इंडिया में टेक्निक्स सिखाई, अलग अलग एंटामोलॉजिस्ट के साथ जुड़कर पर्टिकुलर सिखाया कि किस तरह से बी कीपिंग की जा सकती है। ओके, तो इंडिया के अंदर इस तरह से इसकी शुरुआत हुई एंड डिवाइज्ड हाइव, और इस तरह से जो पर्टिकुलर हाइव बनाए गए थे, वैसे ही पर्टिकुलर एपिस सेरेना, या हम कह सकते हैं इंडियन बी जो है, के बारे में अच्छे से बात करेंगे, तो ये जो एपिस इंडिका हम जिसे कह रखते हैं वो पर्टिकुलर इंडिजिनस बी वगैरह होती हैं, उनके लिए ये हाइव वगैरह बनाए गए थे जिनको हम देख रहे हैं न्यूटन हाइव कहा गया। ओके, तो इस तरह से आपने जाना कि वर्ल्ड लेवल पर आप याद रख सकते हैं एल लैंगस्ट्रॉथ को, और इस तरह से हमने देखा कि इंडिया के अंदर किस तरह से बी कीपिंग की शुरुआत हुई। ओके, किस लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट जानेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ बी स्पीसीज के बारे में। ओके, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं वेरियस काइंड ऑफ बी स्पीसीज के बारे में, कौन कौन सी अलग अलग स्पीसीज हैं। देख लीजिए, देर आर सम 20,000 काइंड ऑफ बीज, ऑफ देम 3 मेन फैमिली प्रोड्यूस हनी। तो हम देख रहे हैं 20,000 तक अलग अलग तरह की बीज हैं, लेकिन उसमें से तीन हमारे मेन काम की जो फैमिलीज हैं वो क्या हैं, तो हम देख रहे हैं जो कि हनी प्रोडक्शन करती है ऑफकोर्स, तो देखिए जो है बॉम्बिडी, मेलिपोनेडी और हम देख रहे हैं एपिडी। अब ये तीनों जो फैमिलीज हैं वो हनी प्रोडक्शन करती हैं, लेकिन लेकिन ये कि बॉम्बिडीज और ये जो मेलिपोनेडी है, बोथ ऑफ दीज फैमिली प्रोड्यूस लिटिल अमाउंट ऑफ हनी, हनी प्रोड्यूस तो कर रहे हो लेकिन कम प्रोड्यूस कर रहे हो, एंड आर इन वेरिएबल फॉर दी कमर्शियल लेवल्स। तो कमर्शियल लेवल्स के लिए हम देख रहे हैं इतने काम की नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ऑफकोर्स इनका अमाउंट जो है हनी प्रोडक्शन का वो कम है। तो हम कह रहे हैं हमारे काम की क्या है, तो हमारे काम की रही तीसरी फैमिली जो कि है एपीडी। ये एपिडी फैमिली जो है वो मेन हनी प्रोडक्शन की फैमिली है, और इसके अंदर हम देख रहे हैं वेरियस टाइप ऑफ स्पीसीज जैसे कि एपिस डॉर्साटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया और साथ में एपिस मेलिफेरा। तो ये जो चार स्पीसीज हैं इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम अच्छे से बात करने वाले हैं। एक बी के बारे में भी और थोड़ा सा जान लीजिए, हो सकता है कई कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आपको मिल जाए क्वेश्चन कि टेट्रागोनला एरिडिपेनिस जो है, पर्टिकुलर ये जो बी है इसे डामर बी कहा जाता है, और इसका कॉमन नेम एक और है जो कि है इंडियन स्टिंगलेस बी, तो इसके नेम को भी आप याद रख सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम इन चार स्पीसीज के बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम बी की वेरियस स्पीसीज के बारे में बात करते हैं, या मैं कहूँ तो हम चार मेन स्पीसीज के बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन सी चार स्पीसीज, तो देख सकते हैं आप एपिस डॉर्साटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया और चौथी एपिस मेलिफेरा।
तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें एपिस डॉर्साटा के बारे में, तो आप इसका कॉमन नेम हमेशा याद रखेंगे क्या, जो कि है रॉक बी। रॉक बी मतलब चट्टान बी, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो बी है एपिस डॉर्साटा, इसके जो हाइव्स हैं या हम कह सकते हैं छत्ता वगैरह बन रहे हैं जो, वो खुले इलाके में देखे जाते हैं, है ना। और खुले इलाके में भी पर्टिकुलर कहें तो हम रॉक की जो फेस है तो उसके ऊपर इसके हम देखते हैं, इसके कॉम्ब वगैरह जो होते हैं वो बनते हुए देखे जाते हैं। और हम देखते हैं कि इसे जायंट बी भी कहा जाता है। जायंट मतलब बड़ा, है ना। तो साइज इनका क्या होता है, इन कंपेरेटिव इन बाकी जो हमने स्पीसीज लिखी हैं उनसे सबसे बड़ा साइज होता है इनका, तो इसलिए हम कह रहे हैं इसे जायंट बी कहते हैं। और साइज भी कितना, तो मैंने यहाँ लिखा है 17 to 20 मिलीमीटर इनका साइज जो है वो कंपेरेटिव इन बाकी तीन स्पीसीज से सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ सबसे लार्जेस्ट बी जो है वो एपिस डॉर्साटा है, और हम कह रहे हैं इसे जायंट बी, और इसे हम कह रहे हैं रॉक बी। ओके, तो इसके बारे में यहाँ लिखा है मेक सिंगल कॉम ऑन रॉक फेस, सिंगल कॉम भी बनाते हैं ये। और साथ में हम देखते हैं बिग ट्री ब्रांचेस और बिल्डिंग ऑफ वॉल, वॉल की बिल्डिंग वगैरह पे भी इनके हम देख रहे हैं कॉम वगैरह देखे जाते हैं। कहने का मतलब खुले इलाके में इनके कॉम देखे जाते हैं। नेचर इनका जो होता है वो इरिटेबल होता है और फेरोशियस होता है, यानी कि बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं ये, है ना, कि बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं इरिटेबल इनका नेचर है। और साथ में हम देख रहे हैं इसी वजह से इनको हम पर्टिकुलरली हनी प्रोडक्शन के लूप में काम में नहीं लेते, या लेते हैं तो बहुत मुश्किल से ले पाएंगे, डिफ़िकल्ट है इनको, हम कह रहे हैं इनको रेयर करना, ठीक है। तो हम कह रहे हैं इवन पॉइजनस भी लिखा है मैंने। इवन पॉइजनस का मतलब ये हुआ कि इनका जो स्टिंग है, डंक जो है, वो इंसान की मौत का कारण तक बन सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है वो काफ़ी ख़तरनाक बीस है। तो ये होती है एपिस डॉर्साटा, और इसकी ईल्ड अगर हम बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा है, जैसा कि आप देख सकते हैं 36 kg पर हाइव पर ईयर, मतलब एक साल में 36 किलो तक का शहद हमको इसकी ईल्ड के रूप में मिल सकता है। तो समझ आ रही है आपको बात। तो इस तरह से हम देख रहे हैं एपिस डॉर्साटा ये होती है। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें किसके बारे में, एपिस इंडिका के बारे में। इंडिका नाम में इंडिका आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक इंडियन बी है ना। इसके कॉमन नेम क्या है, तो हम देखते हैं इंडियन बी, और साथ में इसे हम एशियन बी भी कहते हैं, एपिस सेरेना इंडिका। इसे भी आप याद रखिएगा, वो भी एक तरह से हम कह रहे हैं इंडियन बी का ही नाम है, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, अब इनके नेचर की अगर हम बात करें तो देखिए माइल्ड इन टेम्परामेंट, यानी कि सौम्य इन स्वभाव, हिंदी में कहें तो ऐसा कहने का मतलब ये हुआ इनका टेम्परामेंट, मतलब हम कह सकते हैं माइल्ड है, इसको कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, है ना। जैसे हमने बात करी एपिस डॉर्साटा की, वो तो फेरोशियस है, उनको मुश्किल करना, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहीं हम कहें तो इनका नेचर जो है वो माइल्ड है। और अगर हम देखें तो ईजी टू डोमेस्टिकेट है, आसानी से डोमेस्टिकेट किया जा सकता है। दिक्कत यह है कि इनका जो हनी है, हनी प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं है, कितना है एवरेज हम देख रहे हैं 3 to 4 kg, है ना, या 5 kg भी आपको कहीं बुक्स में लिखा हुआ दिख सकता है। तो 3 to 4 kg हनी पर कॉम पर ईयर इनकी ईल्ड होती है। और खास बात यह है कि इनके साइज़ की अगर हम बात करें तो ये लार्जर देन है एपिस फ्लोरिया के, एपिस फ्लोरिया, इसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की है, जो तीसरी जो बी है इनसे तो इनका साइज़ बड़ा होता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं ये स्मॉलर देन एपिस मेलीफेरा है। एपिस मेलीफेरा से क्या होती हैं, ये छोटी होती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ एपिस मेलीफेरा से छोटी है एपिस इंडिका, लेकिन बड़ी है किससे, एपिस फ्लोरिया से। इस तरह से आप इसको एक साइज़ के रूप में याद कर सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एपिस इंडिका की भी दो वेराइटीज़ देखी जाती हैं, एक हिली एरियाज़ की और एक प्लेन एरियाज़ की। ओके, तो इस तरह से कुछ खास बातें थी एपिस इंडिका के बारे में। और अब तीसरी हम बी के बारे में बात करें तो वो है एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया, अब देखिए इसका कॉमन नेम लिटिल बी। लिटिल बी यानी कि इसका साइज़ जो होता है वो बहुत छोटा होता है। एक सबसे बड़ी बी के बारे में आपने बात समझ ली, कौन सी, एपिस डॉर्साटा। अब एक सबसे छोटी बी के बारे में बात समझिए, जो कि है लिटिल बी, या जिसे हम कह रहे हैं एपिस फ्लोरिया। तो ये स्मॉलेस्ट बी है, इन सब में सबसे छोटी बी जो है वो है एपिस फ्लोरिया। ओके, तभी तो हमने कहा ना एपिस फ्लोरिया से तो ये एपिस इंडिका बड़ी है, और इससे एपिस मेलीफेरा से वो छोटी है। तो कहने का मतलब ये हुआ ऑलवेज फाउंड इन द प्लेन्स, एपिस फ्लोरिया जो है हमेशा प्लेन्स के अंदर ही देखी जाती है। आप ध्यान रख सकते हैं कि 450 मीटर की से ऊपर की हाइट में ये एपिस फ्लोरिया नहीं देखी जाती, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ हिली एरियाज़ वगैरह में ये मधुमक्खी नहीं देखी जाती। और साथ में आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा ठंडा माहौल जो है वो ये सहन नहीं कर पाती, तो एपिस फ्लोरिया इस वजह से हम देख रहे हैं कहाँ, प्लेन रीजन्स के अंदर ज़्यादा देखी जाती है। क्लियर है। और देखिए सिंगल कॉम प्रोड्यूस
250 to 500 ग्राम हनी पर ईयर, बहुत कम ईल्ड इसकी बहुत ज़्यादा कम हो गई, यानी कि 250 ग्राम से हम देख रहे हैं 500 ग्राम तक ही इसका हनी ईल्ड देखी जाती है। ओके, आई बात समझ में। अब अगर चौथी बी के बारे में भी अगर हम बात कर लें तो वो है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा एक अलग स्पेशल है, क्यों? क्योंकि ये यूरोपियन या इटालियन बी है। यूरोपियन कंट्री जैसे कि हम कहें इटली, तो इटालियन बी इसे कहा जाता है। ओके, इसे आप याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि ये मेक मल्टीपल पैरेलल कॉम्ब्स इन कैविटीज इन डार्कनेस। अभी हमने देखा ओपन एरियाज के अंदर हमने बात करी थी एपिस डोर्साटा को देखा जाता है, लेकिन डार्कनेस अंधेरी वाली जगहों पे कहाँ कौन देखी जाती है, तो हम देख रहे हैं एपिस मेलिफेरा देखी जाती है। ओके, और देखिए ईल्ड जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा है, है ना, देखिए 35 kg पर हाइव पर ईयर इसकी ईल्ड अच्छी है। और साथ में देखिए मोस्ट इंडस्ट्रियस, हम कह सकते हैं हमारी सबसे ज़्यादा काम की जो बी है तो वो कौन सी है, एपिस मेलिफेरा। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं ये ऐसी बी है जो अपने आप को अडॉप्ट कर चुकी है या कर लेती है आसानी से मॉडर्न, हम देख रहे हैं जो बी हाई बी कीपिंग के मेथड्स जो हैं, मॉडर्न बी कीपिंग मेथड्स के हिसाब से अपने आप को मूवेबल फ्रेम्स वगैरह जो हैं उनके अंदर आसानी से ये अपने आप को अडेप्ट कर लेती हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये तो एक तरह से क्वीन हो गई उसकी, क्वीन इन द सेंस हनी प्रोडक्शन की, हनी प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा दे सकती है। तो ये इम्पोर्टेबल भी होती है, किसी एक देश से दूसरे देश में आसानी से इम्पोर्ट भी किया जा सकता है इन मधुमक्खियों को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एपिस मेलिफेरा जो है मोस्ट इंडस्ट्रियस है, सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं हनी प्रोडक्शन के अंदर काम में ली जा सकती है, समझ आई? तो इस तरह से हमने जाना चार मेन स्पीसीज के बारे में, किसकी, मधुमक्खियों की, कौन कौन सी, एपिस डोर्साटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया और एपिस मेलिफेरा। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बी कॉलोनी के बारे में, कि बी की कॉलोनी या हम कह सकते हैं ये जो हम देख रहे हैं बी हाइव है वो किस तरह से बना होता है, किन किन लोगों से मिलकर बना होता है, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ इसके अंदर तीन तरह की कास्ट देखी जाती हैं, तीन अलग अलग तरह की मधुमक्खियाँ देखी जाती हैं। कौन कौन सी, तो हम देख रहे हैं क्वीन, वर्कर और ड्रोन। क्वीन और वर्कर दोनों ही फीमेल हैं, दोनों ही फीमेल हैं, और मेल हैं तो उनका नाम है ड्रोन। ओके, अब क्वीन भी फीमेल है, वर्कर भी फीमेल है, लेकिन फ़र्क क्या है आप भी जानते हैं। क्वीन यानी कि रानी, रानी जो है वो फंक्शनल फीमेल है, फंक्शनल फीमेल है यानी कि ये एग ले कर सकती है, इससे और आगे मधुमक्खियाँ बन सकती हैं, तो ये फंक्शनल फीमेल है। जबकि हम कह रहे हैं जो वर्कर है वो क्या है, स्टेराइल है, यानी कि आगे अपनी रिप्रोडक्शन से आगे जनरेशन को नहीं बढ़ा सकती। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्वीन जो है फंक्शनल फीमेल है जबकि ये स्टेराइल है। हम बात करें कि क्वीन जो है ऑल द मेंबर्स आर प्रोडक्ट ऑफ क्वीन, क्वीन से ही सारे क्या निकले हैं, अदर मेंबर्स यानी कि वर्कर्स और ड्रोन निकले हैं, इसीलिए क्वीन को मदर क्वीन भी कहा जाता है। ओके, खास बात नहीं है ऐसे तो। आप इस तरह से याद रख सकते हैं क्वीन जो होती है पूरे हाइव के अंदर एक ही होती है, लेकिन वर्कर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर के अंदर होते हैं, और वहीं ड्रोन की अगर हम बात करें तो वो वर्कर्स से कम होते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन, वर्कर्स होते हैं, एक ही होती है क्वीन, और उनसे कम होते हैं, वर्कर्स से कम नंबर में होते हैं ड्रोन। ओके, और अगर हम क्वीन की खास बातें देखें तो ये 2 से 3 गुना बड़ी होती है, यानी कि इनका साइज 15 से 20 मिलीमीटर है। कहने का मतलब ये हुआ सबसे बड़ी साइज़ की मधुमक्खी जो किसी हाइव में होगी तो वो होगी क्वीन। ओके, और देखिए क्या खास है ऐसा क्वीन के पास जो वर्कर के पास नहीं है, तो हम देख रहे हैं देर आर एक्सटेंडेड एब्डोमिनल प्रोवाइडेड विथ ओविपोजिटर। एब्डोमिनल थोड़ा बड़ा होगा ऑफकोर्स इनके अंदर, और ओविपोजिटर इसके पास है, इसी वजह से इसके अंदर हम देख रहे हैं काफ़ी सारे एग्स होते हैं, है ना। और आप याद रखिएगा कि एक तरह की एग मशीन ही है, क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं एक दिन के अंदर लगभग 2000 तक के एग ले कर सकती है क्वीन, समझ आ रही है आपको बात। तो कहने का मतलब ये हुआ क्वीन जो है एक तरह से एग लेइंग मशीन है, और उसकी लाइफ हम देखें तो 2 से 5 साल होती है, ठीक है। तो ये होती है क्वीन। अगर हम बात करें वर्कर की तो ये वर्कर क्या है, तो आपने जाना ये स्टेराइल फीमेल है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग। अब क्वीन ने एग्स निकाले हैं, अब वो एग फर्टिलाइज हो जाते हैं, यानी कि उसके अंदर अगर हम देख रहे हैं मेल गैमेट आ जाता है, फ्यूज़ हो जाता है, तो वो फर्टिलाइज्ड हो जाएगा। अगर बिना फर्टिलाइजेशन के ही अगर कोई प्रोजेनी बन रही है तो वो कौन होगी, वर्कर्स होंगी। तो समझ आ रही है आपको। तो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, और सॉरी फर्टिलाइज्ड एग बिना फर्टिलाइजेशन के बन रही है तो हम उसे क्या कह रहे हैं, ड्रोन कह रहे हैं। ओके, यहाँ मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया कि वर्कर्स जो हैं वो प्रोड्यूस फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग, यानी कि अगर गैमेट फ्यूज हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन से जो हमारे प्रोजेनी है उसे हम वर्कर कह रहे हैं, जबकि जो बिना फर्टिलाइजेशन के हैं उन्हें हम ड्रोन कह रहे हैं। वर्कर्स जो हैं वो स्मॉलर होते हैं ऑफकोर्स क्वीन से, और हम देख रहे हैं इनके पास स्टिंग यानी कि डंक मारने की
फैसिलिटी है, यानी कि डिफेंस की इनके पास मैकेनिज्म है। अगर किसी को अपने आप को बचाना है, अपनी हाइव को बचाना है अपने दुश्मन से, तो इसको डंक मार सकते हैं, यानी कि स्टिंग है। और हम देख रहे हैं इनके पास वैक्स ग्लैंड होती है वेंट्रल साइड्स के ऊपर। ओके, वैक्स ग्लैंड है, याद रखेंगे, तभी तो वैक्स प्रोडक्शन करती हैं बीज, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली, है ना। और हम देखें तो मॉडिफाइड हिंड लेग्स, इनके हिंड लेग्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं, इस तरह से मॉडिफाइड होते हैं कि वो पॉलिनेशन के अंदर हमारे हेल्पफुल होते हैं। पॉलिनेशन के अंदर आप जानते हैं कि वो नेक्टर कलेक्शन करती हैं ये बीज, है ना। वर्कर्स मेन क्या है, वर्किंग का काम इनका क्या होता है, तो हम देखते हैं पॉलिनेशन के दौरान ये नेक्टर्स वगैरह कलेक्ट करते हैं। तो इनके अंदर क्या होते हैं, मॉडिफाइड हिंड लेग, पीछे के लेग मॉडिफाइड होते हैं पॉलिनेशन के लिए। क्लियर है। दो कास्ट तो हमने पढ़ ली, क्वीन एंड वर्कर्स। तीसरी कास्ट की अगर हम बात करें तो वो है ड्रॉन। ड्रॉन क्या है, ये मेल है, वो भी ऐसे मेल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स, जिनका फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है। उनसे भी अगर हम देख रहे हैं, उन एग्स से जो प्रोजेनीज निकल रही हैं उनको हम ड्रॉन कह रहे हैं। ठीक है, ड्रॉन वास्तव में निठल्ले होते हैं। निठल्ले क्यों होते हैं, क्योंकि इनकैपेबल ऑफ कलेक्टिंग फूड और डिफेंडिंग एनिमीज, क्योंकि इनके पास कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, तो यानी ना तो ये खाना जो है वो कहीं से कलेक्ट कर पा रहे हैं, और ना ही हम देख रहे हैं ये एनिमीज वगैरह से अपने आप को डिफेंड कर पा रहे हैं। तो काम क्या है भाई, क्यों रखा गया है इनको, बाहर कर देना चाहिए। इसलिए रखा गया है क्योंकि मेन फंक्शन इज़ टू मैट विद क्वीन, है ना। भले ही निठल्ले हैं लेकिन काम इनका मेन फंक्शन जो है वो मैटिंग है, वो भी इनके साथ क्वीन के साथ, है ना। तो रिप्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए या फर्टिलाइज्ड फॉर्म्स अगर बननी हैं अगर उसके अंदर हाइव के अंदर, तो वो किसकी वजह से पॉसिबल है, तो वो ड्रॉन की वजह से ही पॉसिबल है। तो यानी कि हम कह रहे हैं स्पर्म, या कह सकते हैं मेल गैमेट्स कौन प्रोवाइड करा सकता है, तो ये ड्रॉन ही प्रोवाइड करा सकते हैं, बट नॉट द परमानेंट मेंबर्स। क्यों, जैसे बीज का काम, मतलब या कह सकते हैं हिसाब पक्का है कि काम क्या है तुम्हारा, मैटिंग का। अगर मैटिंग हो जाती है तो इन्हें हाइव से बाहर कर दिया जाता है, बेदखल कर दिया जाता है, और इनका हम देख रहे हैं फिर कोई काम नहीं है। तो ये हम देखते हैं फूड की स्टार्विंग वगैरह से फिर बाद में ख़त्म भी हो जाते हैं ऐसे ड्रोन, क्योंकि इन्हें हाइव से बाहर कर दिया जाता है, तो ये परमानेंट मेंबर नहीं होते। इसका पर्टिकुलर पूरा फेज़ होता है, सेलेक्ट किया जाता है ड्रोन का, कि कौन सा ड्रोन जो है वो क्वीन के साथ मैटिंग करेगा। क्वीन को अपने स्पर्म्स मिल जाते हैं, स्पर्मोटोजोआ के अंदर काफ़ी सारे स्पर्म्स मिल जाने के बाद उन ड्रॉन का कोई काम नहीं रहता, तो उन्हें बाहर कर दिया जाता है हाइव से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, तो इस तरह से तीन कास्ट हमने देखी, क्वीन, वर्कर्स एंड ड्रॉन। ओके, एक चीज़ अभी भी दिमाग में आती है कि एग्स से जो थे, अब हमने देखा या तो फर्टिलाइज होने पर हम देख रहे हैं वर्कर्स बन रहे हैं, अनफर्टिलाइज होम से ड्रॉन बन रहे हैं, तो ये क्वीन कैसे बन रही हैं, है ना। तो वर्कर बनने वाली है या क्वीन बनने वाली है, इसका डिसीजन जो होता है वो हम देखते हैं फीडिंग से होता है, यानी कि हम कह रहे हैं ब्रूड फीडिंग। ब्रूड क्या होता है, तो आप देखिए ये जो मधुमक्खियां हैं इनके अंदर हम कह रहे हैं जो एग, लार्वा या प्यूपा, एडल्ट फॉर्म से पहले की जितनी फॉर्म्स हैं इनको हम अल्टीमेटली ब्रूड कह रहे हैं, इमैच्योर फॉर्म्स को। अब इमैच्योर फॉर्म्स की फीडिंग किस तरह से हो रही है, इनको खिलाया क्या जा रहा है, इसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि क्वीन होने वाली है क्या डेवलप होने वाली है वर्कर्स। ओके, जिसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम अच्छे से बात करने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी की। बी की लाइफ साइकिल कैसी होती है, अच्छा मैंने एक टॉपिक अभी बताया आपको कि किस तरह से फीडिंग होती है, ये डिसाइड करता है कि हम देख रहे हैं जो एग्स हैं उनमें से हनी बी बनने वाली हैं या वर्कर्स बनने वाली हैं। क्योंकि ड्रॉन कैसे बनेंगे ये तो आप जानते हैं, है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि जो क्वीन है उसने एग्स ले किए हैं, अब ये एग्स जो हैं अगर फर्टिलाइज्ड हो रहे हैं तो वर्कर बन रहे हैं, अगर हम देख रहे हैं अनफर्टिलाइज्ड है तो उसे ड्रॉन निकल रहे हैं। फर्टिलाइज्ड हो रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि वर्कर बन रही है या क्वीन बनने वाली है, तो ये कैसे डिसाइड होता है, तो अभी हम देखते हैं। देखिए एग्स, लार्वा और प्यूपा, जैसा कि आपको मैंने बताया, इन्हें हम ब्रूड कह सकते हैं, है ना, इमैच्योर फॉर्म्स में। अभी जो ब्रूड हैं इनकी फीडिंग किस तरह से हो रही है ये डिसाइड करता है कि ये क्या बनने वाली हैं। इनकी फीडिंग ऑब्लिगेटरी है, ऑब्लिगेटरी यानी सामान्य है, नॉर्मल, जैसे कि कह सकते हैं हम सेम फूड फॉर 2.5 डे टू ऑल। मतलब अगर हम देख रहे हैं कि शुरू के जो 2.5 दिन होते हैं, है ना, मतलब जैसे एग्स वगैरह जो हैं उनको सभी को सेम फीडिंग की जाती है, सभी को सेम तरह का खाना, ब्रूड फूड जो है वो दिया जाता है, तो ये ऑब्लिगेटरी फीडिंग है। लेकिन इसके अंदर हम बाद में देखते हैं कि कंट्रोल्ड फीडिंग हो जाती है 6 to 7 डे, लेकिन बाद में उसको थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में ही किया दिया जाता है,
फूड प्रोवाइड किया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कंट्रोल्ड फीडिंग जो है इसको ही हम कह रहे हैं ऑब्लिगेटरी फीडिंग। और इस तरह से कंट्रोल्ड फीडिंग अगर की जा रही है तो एग से जो फर्टिलाइज तो हो चुके हैं, इन फर्टिलाइज कंट्रोल्ड फीडिंग से हम देख रहे हैं जो एग्स से क्या बनने वाले हैं, तो हम देखते हैं वर्कर्स बनने वाले हैं। क्लियर है ये बात। लेकिन अगर एबंडेंस दी जा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर हम देख रहे हैं फूड अवेलेबल कराया जा रहा है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, एबंडेंस ऑफ फ्रूट प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो उसे फैकल्टेटिव ब्रीडिंग कह सकते हैं। अब इस फैकल्टेटिव ब्रीडिंग से ज़्यादा अमाउंट के अंदर अगर फूड अवेलेबल हो रहा है फॉर 4.5 डे टू 5 डेज, है ना, तो इस कंडीशन के अंदर हम देख रहे हैं एग्स से क्या बनती हैं, क्वीन बनती है। तो ये स्पेशल कंडीशन है। ऐसा कब किया जाता है, जब मान लीजिए हाइव के अंदर कोई क्वीन ऐसी है जो अवेलेबल, मतलब जो एबल नहीं है ज़्यादा एग्स प्रोडक्शन करने में, उसकी एज काफ़ी हो चुकी है, या अगर उसे हटाना है उसके बाद कोई नई क्वीन आने वाली है, या उसके अंदर नीड है नई क्वीन की, तो उस कंडीशन के अंदर हम देख रहे हैं ऐसा एबंडेंस ऑफ प्रोवाइड किया जाएगा एग को, तो जिससे कि हम देख रहे हैं क्वीन्स बनने वाली हैं। तो समझ आया आपको क्वीन और वर्कर्स किस तरह से बनते हैं, और अनफर्टिलाइज से तो ड्रॉन बनते हैं आपको पता ही है। अब इस तरह से हमने देखा ये होती है ब्रूड फीडिंग। आप ध्यान रखिएगा एग से जो लार्वा हैं वो 3 दिन के अंदर ही हैच हो जाते हैं, 3 हैचिंग, मतलब यहाँ लिखा है 3 डेज के अंदर हैचिंग हो जाती है, और ये हैचिंग जो है वो तीनों के लिए सेम है, क्वीन वर्कर्स एंड ड्रॉन, तीनों ही 3 दिन के अंदर हैचिंग हो जाती है इनके अंदर, मतलब हैचिंग का पीरियड सेम है, लेकिन लार्वल पीरियड और प्यूपल पीरियड क्वीन वर्कर एंड ड्रॉन का अलग अलग होता है, है ना। अब ये जो एबंडेंस वाली जो प्रोवाइड कराई गई, इनका शेल अलग होता है, इनकी सेल जो है जिसके अंदर वो एग है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो पहले ही डिसाइडेड होगा कि यहाँ से क्वीन बनने वाली है, है ना। तो उसके अंदर हम देख रहे हैं जो लार्वल पीरियड है वो होता है 5 दिन का, प्यूपल स्टेज 7 to 8 डेज का होता है, वर्कर जो होती हैं उनका लार्वल पीरियड 4 to 5 डेज होता है, प्यूपल पीरियड जो है वो 11 to 12 डेज होता है। वहीं ड्रॉन्स देखें हम तो 5 to 7 डेज के अंदर उसका लार्वल पीरियड है, और प्यूपल स्टेज जो है वो देख रहे हैं हम 13 टू 14 डेज का होता है, और हैचिंग का पीरियड मैंने आपको बताया तीनों ही कास्ट के लिए सेम है, जो कि होता है 3 डेज, है ना। हैचिंग होती है तो फिर वास्तव में पहले एकदम वर्टिकली एग होता है, उसके बाद वो इंक्लाइंड होता है, फिर पूरी तरह से वो मतलब नीचे हो जाता है, देन उसमें से क्या निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं एग से लार्वा आते हैं, लार्वा से प्यूपा एंड प्यूपा टू एडल्ट, इस तरह से क्या देखी जाती है, लाइफ साइकिल देखी जाती है। ओके, आई होप आपको ये समझ आई होगी ब्रूड फीडिंग एंड लाइफ साइकिल। तो चलिए एट लास्ट अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या बी बिहेवियर के बारे में जो हमें पता होना चाहिए क्या है। जैसे कि जान लीजिए सबसे पहले स्वामिंग। स्वामिंग एक तरह से क्या कह सकते हैं हम कि लार्ज नंबर ऑफ बीज का एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब हम कह रहे हैं काफ़ी सारी जो बीज हैं वो एक साथ क्या होंगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी। स्वार्म्स का मतलब आप जानते हैं, एक साथ काफ़ी ग्रुप के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाना, क्यों, ताकि कोई दूसरी जगह जाके हम मतलब ये जो बीज हैं वो एक नया हाइव बनाएंगी या नई कॉलोनी बनाएंगी अपनी, है ना। तो देखिए नेचुरल मेथड ऑफ कॉलोनी मल्टीप्लिकेशन, कॉलोनी मल्टीप्लिकेशन मान लीजिए एक बी है, एक बी हाइव है जिसमें से हम देख रहे हैं एक क्वीन रिप्लेस कर दी गई है दूसरी क्वीन से, तो अब वो दूसरी क्वीन जो पहले वाली क्वीन है वो अपने मेंबर्स को लेकर कोई दूसरी जगह जा रही है मान लीजिए, है ना, ताकि दूसरी जगह जाके कॉलोनी एक और नहीं बनाई जा सके। तो इस तरह से ये जो कॉलोनी बनाने के लिए जो प्रोसेस किया जा रहा है इसको हम एक तरह से स्वार्मिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन इन विच अ पार्ट ऑफ कॉलोनी माइग्रेट्स, कोई पार्ट ऑफ कॉलोनी माइग्रेट करता है टू न्यू साइट फॉर मेकिंग अ न्यू कॉलोनी, ताकि नई जगह पर नई कॉलोनी बनाई जा सके। ओके, तो एक तरह से हम कह रहे हैं ये स्वार्मिंग है। वहीं हम कहें सुपरसाइजर, सुपरसाइजर का मतलब ये हुआ कि वैन ओल्ड क्वीन इज अनेबल टू ले सफिशेंट एग्स, मान लीजिए जिस कॉलोनी के अंदर क्वीन है वो सफिशिएंट नहीं है एग्स बनाने में, है ना, ज़्यादा एग्स लिंग नहीं कर पा रही है, या वो हम कह सकते हैं ओल्ड क्वीन है, सो शी विल बी रिप्लेस्ड और सुपरसीडेड बाय सुपरसीजर क्वीन, तो उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा कोई दूसरी क्वीन से, है ना। तो इस दूसरी क्वीन जो इसको रिप्लेस कर रही है इस क्वीन को हम कह सकते हैं सुपरसीजर क्वीन। ओके, तो इस टर्म को आप समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। और आप ध्यान रखें कि एक हाइव के अंदर मान लीजिए आपने जाना कि किस तरह से क्वीन बन रही है ना, कि अगर हम देख रहे हैं एबंडेंस ऑफ ब्रूड फूड मिल रहा है तो उस कंडीशन में हम देख रहे हैं क्वीन बन रही है, तो मान लीजिए 3 से 4 क्वींस बनने वाली हैं, तो मान लीजिए सबसे पहले जो क्वीन मैच्योर हो गई है उस हाइव के अंदर वो जो दूसरी क्वींस बनेंगी उनके साथ एक तरह से फाइट करेगी, उन्हें मारेगी, है ना, तो सर्वाइव करेगी, अपनी एग्जिस्टेंस क्रिएट करेगी वहाँ पर,
और देन वो वहाँ की क्वीन बनेगी। तो कहने का मतलब अगर उस लड़ाई के अंदर कोई दूसरी क्वीन जीत जाती है, वो अगर क्वीन बनने के लिए आगे आ जाती है, तो उस तरह से जो रिप्लेस कर रही है पुरानी ओल्ड क्वीन को, जो रिप्लेस किए जा रही है उस ओल्ड क्वीन को, रिप्लेस करने वाली क्वीन को हम कह रहे हैं सुपर सेजक क्वीन। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया बट याद रखेंगे आप। और कुछ टर्म्स भी यूज़ की जाती हैं, जैसे हम कहते हैं एमरजेंसी क्वीन। एमरजेंसी क्वीन यानी कि अचानक से अगर किसी भी हाइव की क्वीन खत्म हो जाती है, मर जाती है, तो उस कंडीशन में जो दूसरी अचानक से जो नई क्वीन बनाई जाएगी उसे हम एमरजेंसी क्वीन कहेंगे। वहीं अगर हम बात करें एब्सकॉन्डिंग की, तो ये टर्म्स यूज़ की जाती है कंप्लीट डिस्टर्शन ऑफ हाइव। पूरी तरह से हम देख रहे हैं हाइव का खत्म हो जाना, क्यों हम देख रहे हैं? लैक ऑफ वाटर की वजह से, पानी की कमी हो, एक खाने मतलब आसपास नेक्टर वगैरह या फूड अवेलेबल ना हो, है ना, या हम देख सकते हैं डिहाइड्रेशन, जैसा कि आपने समझ लिया पानी की कमी। तो कहने का मतलब इस तरह के कुछ फैक्टर्स की वजह से अगर पूरी तरह से वो हाइव खत्म हो जाता है, तो उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं हम, जिसे कहते हैं एब्सकॉन्डिंग। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ और भी एक्टिविटीज़ अगर आप पढ़ना चाहें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। और इवन उसके अंदर जो कुछ भी मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है, वो सब कुछ उस PDF के अंदर अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे डाउनलोड करके आराम से रीड कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी मैंने एक्सप्लेन किया है, उसकी एक PDF फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है ही, आप उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के अंदर एपिकल्चर के ऊपर, ये हमारा सबसे पहला वीडियो था। इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने कमर्शियल मेथड ऑफ बी कीपिंग, या हम कह सकते हैं एपिकल्चर का कमर्शियल मेथड जो होता है, उसके बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आप अपलोड होने के एक हफ्ते बाद देख रहे हैं, तो उस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, आप उस लिंक को यूज़ करके नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप जनरल एग्रीकल्चर की नॉलेज और क्वेश्चन आंसर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।